टोडा भीम क्षेत्र में मां की ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक नवजात शिशु को लावारिस अवस्था में छोड़कर चले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात शिशु को टोडा भीम के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां चिकित्सकों की देखरेख में नवजात शिशु का उपचार जारी है। मामला मेहंदीपुर बालाजी में पाटोली बाईपास का है, जहां सड़क किनारे बने कमरे में सुनसान जगह पर कोई नवजात शिशु को छोड़कर चला गया, जहां आसपास काम कर रहे मजदूरों को लावारिस अवस्था में पड़ा नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने मामले की सूचना टोडा भीम पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र एवं टीम ने नवजात शिशु को टोडा भीम के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में नवजात शिशु का उपचार जारी है। वहीं पुलिस द्वारा उक्त मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि पुलिस द्वारा लाई गई लावारिस नवजात शिशु स्वस्थ अवस्था में है और उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार नवजात का जन्म लगभग 24 से 48 घंटे के बीच का बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची चाइल्डलाइन टीम करौली ने टोडा भीम के राजकीय अस्पताल में पहुंचकर नवजात शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। नवजात शिशु की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसे रेफर किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा नवजात के परिजनों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। के बीडीआर फार्म हाउस के सामने एक समाधि वाला कम समाधि का जो कमरा नंबर बना हुआ था उसमें एक नवजात शिशु पड़ी हुई है, जिस पर हम आप पहुँचे वहाँ जाके देखा तो बच्ची जीवित थी। जिस बच्ची को वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल लेके आए तो टोडा भीम हॉस्पिटल में जैर इलाज है। अभी कैसी बारिशों के बारे में तलाश की जा रही है। अभी कैसी स्थिति बताई जा रही है बच्ची की स्थिति सामान्य है।